भोजपुर जिले के 8 थानेदार समेत 17 पुलिस अधिकारियों को नया टास्क मिल गया है, जिसे उन्हें 48 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। उन्हें राजगीर जाकर ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। भोजपुर के एएसपी प्रमोद कुमार यादव ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। भोजपुर सड़क हादसे में छात्र की मौत, बहन के पास जा रहा था आरा पटना एनएच पर गीधा थाना क्षेत्र के गीधा ओवरब्रिज पर हादसा हो गया। सोमवार की दोपहर बेलगाम ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक छात्र को रौंद दिया। हादसे में उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शिक्षक को गोली मारने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर के धोबाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा सलेमपुर मार्ग पर बहरा गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के पास सरकारी स्कूल के शिक्षक को गोली मारी गई थी। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी एएसपी प्रमोद कुमार यादव ने दी है। सांप के डसने से किसान की मौत। भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र के पंडुरा रामपुर गांव में विषैले सांप के डसने से शौच करने गए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पोखर में डूबने से तमिलनाडु निवासी की मौत। आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर जिले के धनगाई थाना क्षेत्र के केसरी गांव स्थित पोखरा में डूबने से सोमवार को तमिलनाडु निवासी एक एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई। इलाज के लिए जगदीशपुर के दुलौर स्थित अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। भोजपुर में ट्रेन से गिरकर महिला की मौत। दानापुर पीडीडीयू रेलखंड पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर सोमवार की दोपहर ट्रेन से गिरकर एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों के बीच काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। भोजपुर में पानी से भरे गड्ढे में ग्रामीणों ने देखा मगरमच्छ। भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड क्षेत्र के बबुरा गांव में बड़ी मां दुर्गा मंदिर के पास एक गड्ढे में मगरमच्छ देखने की सूचना ने पूरे इलाके में दहशत मचा दिया है। पिछले 3 दिनों से इस गड्ढे में ग्रामीण मगरमच्छ को देख रहे हैं। कॉम्बैट साउथ एशिया चैंपियनशिप में भोजपुर के भाई बहन करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। नेपाल के काठमांडू में 30 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित कॉम्बैट साउथ एशिया चैंपियनशिप कुश्ती में भोजपुर की राधा अर्चना व अनुपम अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। बाढ़ की वजह से पटना जिले में 76 स्कूल बंद। डीएम ने दिया आदेश। पटना के जिन इलाकों में स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं उनमें गोलाबांध, बख्तियारपुर, दानापुर, मनेर, फतुहा, मोकामा व पटना सदर प्रखंड के स्कूल शामिल हैं। पूर्व मंत्री देवेंद्र यादव का प्रशांत किशोर के साथ नई पारी का आगाज। जनसुराज में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने जनसुराज का दामन थाम लिया है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने ज्वाइनिंग कराई।